हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोरायसिस के बारे में। सोरायसिस जो कि स्किन की एक बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाली या होने वाली बीमारी है, जिससे ज़्यादातर लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन उसका परमानेंट ट्रीटमेंट या परमानेंट इलाज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सोरायसिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सोरायसिस क्या होती है, क्यों होती है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी में इसके लिए आप क्या बेस्ट मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा ट्रीटमेंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सोरायसिस एक कॉमनली स्किन की पाई जाने वाली बीमारी है, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिक्स में हमें इसके बहुत सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं, जिनमें कि उनकी स्किन में रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, जिनमें कि इन्फ्लामेशन रहता है, स्वेलिंग रहती है, साथ ही साथ सिल्वर और वाइट कलर के उनके ऊपर स्केल्स रहते हैं और एक क्लियरली बाउंड्री रहती है, एक बॉर्डर रहता है जो कि स्किन से उन पैचेस को अलग करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि क्या कारण रहता है, किस कारण से सोरायसिस होती है। तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, अभी तक इसका सही सही कारण पता नहीं है, लेकिन ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारे इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज वो होती हैं जिन बीमारियों में हमारे बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है या इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है या रोग के खिलाफ लड़ता है, वो खुद हमारी हेल्दी टिश्यू को किल करने लगता है, हेल्दी सेल्स को किल करने लगता है, कहें तो हमारी बॉडी के खिलाफ हो जाता है, हमारे शरीर के खिलाफ हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी के जो हेल्दी टिश्यू हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको किल करता है, जिसकी वजह से सोरायसिस होती है। दोस्तों, सोरायसिस जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती है, यानी कि जिनके फादर को या ग्रैंड फादर या पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर सोरायसिस रही है बीमारी, तो उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर भी रहते हैं जिससे कि सोरायसिस होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये रिस्क फैक्टर हैं, सबसे पहला है ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका वजन ज़्यादा है, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आप में सोरायसिस होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, दूसरा रिस्क फैक्टर होता है या ट्रिगर फैक्टर होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या तनाव में रहते हैं या टेंशन लेते हैं, तो भी सोरायसिस होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा ट्रिगर फैक्टर है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको सोरायसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है, बहुत सारे इन्फेक्शंस रहते हैं जिससे भी सोरायसिस होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को सोरायसिस है, तो उनमें ये जो रिस्क फैक्टर हैं या ट्रिगर फैक्टर हैं, ये उनके सोरायसिस की कंडीशन को बढ़ाने का काम भी करते हैं। दोस्तों, ये थे सोरायसिस के कॉजेज, ये थे कारण किन वजह से सोरायसिस होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोरायसिस के सिम्टम्स के बारे में या लक्षणों के बारे में। क्या लक्षण हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी में आते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमें सोरायसिस है। तो दोस्तों, इसका मेन लक्षण है हमारी बॉडी पर रेड कलर के पैचेस आते हैं, जिन पे कि सिल्वर और वाइट कलर के स्केल्स बन जाते हैं, साथ ही साथ उनमें स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेम्ड होते हैं, इन्फ्लामेशन रहता है। इसके अलावा एक क्लियरली बॉर्डर लाइन एरिया बनता है हमारे स्किन की जो सेल्स हैं, या जो नॉर्मल स्किन है, हेल्दी स्किन है, उससे और जो पैचेस रहते हैं उनके बीच में एक बॉर्डर लाइन रहती है, जिससे कि हम साफ पता लगा सकते हैं ये पैचेस हैं, सोरायसिस के हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें इचिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा खुजली और बर्निंग सेंसेशन भी पाया जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी किसी लोगों में खुजली या जलन बहुत कम रहती है, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ पर्सन्स में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ये सोरायसिस के लक्षण रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा सोरायसिस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं,
सोरायसिस की वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है, जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। सोरायसिस बने रहने से आगे चलकर हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है और लॉस ऑफ मूवमेंट होने लगता है, जिसको हम सोरायटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, कंजक्टिवाइटिस और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं जो कि सोरायसिस बीमारी की वजह से हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सोरायसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी की मैं आपको कुछ मुख्य मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि सोरायसिस के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बहुत अच्छे से सोरायसिस को ट्रीट करती हैं, ठीक करती हैं। दोस्तों हमारी पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हमारी बॉडी पर रेड कलर के रफ और ड्राई पैचेस होते हैं, यानी कि वो छूने पर बिल्कुल रफ होंगे और ड्राई होंगे, उनमें से कोई भी कैसा भी डिस्चार्ज या सीक्रेशन नहीं होगा। कलर के पैचेस होते हैं और उन पर सिल्वर कलर के स्केल्स बनते हैं। ये हमारे बॉडी के ज़्यादातर हिस्से पर रहते हैं, केवल हमारे चेहरे को और हाथों को छोड़ करके ये हमारे शरीर के ज़्यादातर भाग पर होते हैं और बहुत रैपिडली बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अगर ये सिम्टम है तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें इचिंग रहती है और बर्निंग सेंसेशन रहता है, खुजली होती है। अब आर्सेनिक के मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ जो आर्सेनिक पेशेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि ठंडी चीज़ों से खुजली बढ़ती है और सोरायसिस के जो इरप्शंस हैं वो बढ़ते हैं, जो पैच हैं वो बढ़ते हैं। यानी कि अगर ठंडा मौसम आता है तो ये खुजली और जो पैचेस थे वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ठंडे जगह पर जाने पर, जैसे कि एसी में बैठने पर या कूलर में बैठने पर भी खुजली और जलन बढ़ जाती है और गर्म चीज़ों से आराम मिलता है। जैसे गर्मी के मौसम में सोरायसिस के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं, उनमें रिलीफ मिलता है, या फिर सिकाई करने से गर्म चीज़ से आराम मिलता है, या ठंडे पानी से नहाने से परेशानी बढ़ जाती है। अगर ये सिम्टम आपके अंदर हैं तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस रहती है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन है अपनी बीमारी को लेकर और हर समय बीमारी के बारे में ही सोचता रहता है और उसे लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता या फिर इस बीमारी का कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, इस तरह के अगर मेंटल सिम्टम आते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, तो ऐसे मरीज को आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन लेनी चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में लेनी है। इसकी 5 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी है। इसको लेने से आपकी जो सोरायसिस की समस्या है या सोरायसिस की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों हमारी दूसरी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के पेशेंट में भी रेड कलर के पैचेस बनते हैं जिनकी ये बॉर्डर लाइन रहती है और इन्फ्लेम्ड रहते हैं, साथ ही साथ उन पर सिल्वर या व्हाइट कलर के स्केल्स रहते हैं। लेकिन ग्रेफाइटिस के पेशेंट में जो पैचेस होते हैं उनमें क्रैक्स रहते हैं और दरारें जैसी आती हैं। इसके अलावा इचिंग और बर्निंग रहती है, लेकिन इचिंग करने के बाद में वो स्टिकीनेस हो जाती है, वहाँ पे स्टिकी कुछ डिस्चार्ज होता है। ये ग्रेफाइटिस का एक अलग सिम्टम है। अगर जो पैचेस हैं उनसे कोई स्टिकी डिस्चार्ज होता है तो आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन ले सकते हैं। ग्रेफाइटिस पेशेंट में सोरायसिस के पेचेस ज़्यादातर स्काल्प पर यानी कि सिर में बनते हैं, साथ ही साथ वो पेचेस में सोरनेस रहती है, दर्द जैसा रहता है, इचिंग रहती है। इसके अलावा कानों के पीछे तक भी पेचेस जाते हैं। दोस्तों अगर ये आपको सोरायसिस में लक्षण आते हैं तो आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइटिस के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आप ग्रेफाइटिस मेडिसिन 30 पोटेंसी में लें। ये आपको 5 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी है। इसको लेने से आपकी सोरायसिस ठीक हो जाए। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडेटम। अगर आपकी स्किन पर रेड कलर के पैचेज हैं और बहुत बड़े बड़े पैचेज हैं और उनसे बड़े बड़े स्केल्स झड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो आप आर्सेनिक आयोडेटम मेडिसिन ले सकते हैं। यानी कि कुछ लोगों में बहुत बड़े बड़े स्केल्स बनते हैं, लगभग उनकी पूरी स्किन पर रेड कलर का एरिया आ जाता है, उससे बड़े बड़े स्केल्स झड़ते रहते हैं और साथ ही साथ
बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है। ऐसे सिम्टम्स होने पर आप आर्सेनिक आयोडेटम मेडिसिन ले सकते हैं। आर्सेनिक आयोडेटम भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। आर्सेनिक आयोडेटम की 5 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन है सल्फर। अगर सोराइसिस में रेड कलर के पेचेस हैं, साथ ही साथ उन पर स्केलिंग भी है व्हाइट या सिल्वर कलर की, लेकिन खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और इचिंग करने के बाद में बर्निंग यानी कि जलन बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ जो इचिंग है वो शाम के समय या रात के समय बढ़ जाती है, या फिर जब आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो इचिंग बढ़ जाती है, अगर ये सिम्टम है तो आप सल्फर मेडिसिन लें। सल्फर आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। सल्फर 30 की 1 डोज दिन में 1 बार लें, यानी कि सल्फर 30 मेडिसिन की 5 बूंदें 1/4 कप सादा पानी में मिलाकर दिन में केवल 1 बार लें। इसके साथ अगर आपको पुराने समय में या पास्ट में कोई स्किन की बीमारी रही है जिस पर कि आपने एलोपैथिक ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाए हैं जिससे कि वो तो ठीक हो गई लेकिन आपको सोरायसिस हो गई है, तो भी आप सल्फर मेडिसिन ले सकते हैं। इसको लेने से आपकी जो सोरायसिस है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी सोरायसिस की मेडिसिंस। ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ एक रेड कलर का बटन दिया है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।